बरेली में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज बरेली कॉलेज में सामूहिक योग अभ्यास किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना रहे। सांसद छत्रपाल गंगवार विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एडीजी पीसी मीणा, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, डीएम रविंद्र कुमार, सीडीओ जग प्रवेश, एडीएम पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों से योग करने की अपील की और कहा कि इसके अभ्यास से शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने योगा को दुनिया भर को दिया। दुनिया के देश आज इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने आम जनता से कह रहे हैं कि योगा करो और स्वस्थ रहो। योगा कीप्स अस फिट और जो फिट है वही हिट है। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आपने देखा कि तय समय के अनुसार आज सुबह सुबह जनपद बरेली के बरेली कॉलेज मैदान में जनपद के विभिन्न भागों से लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों ने तन मन से योग किया। यही नहीं, आज बरेली जनपद के समस्त तहसील में, समस्त विकास खंड में और समस्त गांव में भी योगाभ्यास कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुरुआत करवाई है और मैं इस अवसर पर अपील करता हूँ कि आप नित्य प्रति डेली कम से कम जो ही समय आपको हो योग करें। इसलिए कहा गया है कि करें योग, रहें निरोग। थैंक यू। कुछ लोगों के लिए प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया गया जी। ये ऐसे लोग हैं कि योग से संबंधित जो निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता हुई थी उसमें जनपद स्तर पे जो प्रथम तीन आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको भी सम्मानित किया गया। और योगाभ्यास से जुड़ी हुई जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, योग से रिलेटेड संस्थाएं, उनके प्रतिनिधि को सम्मानित किया गया। चूँकि आज ही नहीं, 15 तारीख से योग सप्ताह चल रहा है जिसमें जनपद बरेली में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और उस कार्यक्रम के आयोजन में इन संस्थाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। थैंक यू।